हेलो गाइस, वेलकम टू मकबूल संधू न्यू व्लॉग। तो जैसा गाइस आप लोग को पता है, आज मजदूर डे है। तो यहाँ पे एसपीडी यूनिवर्सिटी के सामने यहाँ पे बिल्कुल तैयारियाँ की जा रही हैं मजदूर डे की। तमाम रिक्शा, जितने रिक्शा ड्राइवर है, सारे रिक्शा की तैयारियाँ कर रहे हैं और फ्लैक्से लगा रहे हैं। यहाँ पे सारा निज़ाम बहुत अच्छा है। तो हम एक जो ना रिक्शा ड्राइवर से पूछे हैं, ये कहाँ तक रेलिंगें जाएंगी और कहाँ तक चलेंगी। तो ये तमाम आप देख सकते हैं तैयारियाँ सब चल रही हैं। रेलिंग और टेप कितने जी, ये अपना रैली कितों तक जाएगी? ये जी अली टोर तक जाएगी। अली टोर तक जाएगी, अली टोर तक वापस आएगी। अच्छा, फिर अली टोर जाएगी। तो जनाब भाई दस रहे ने कि रैली अली टोर जाएगी। अली टोर तो बाद तमाम लाहौर घूमे फिरेगी और इधर लैंड क्लोज ना तमाम लोग यानि कि मजदूर डे मनाने के बड़े अच्छे तरीके से सदर गल करेगा। मियां उड़ाई अच्छा, तसीर अली कितों तक जाएगी? ए जनाब जनाब इन्हों के सदर ने सारे तो यह ध्यान दसन गए कि रैली कितों तक जाएगी। ठोकर तक जाएगी सर जी, कराइया स्टाफ एसपीडीओ यूनिवर्सिटी तो। हाँ जी, ये जनाब इनकी सारी टीम है। तो ये रैली की तमाम तैयारियां कर रही हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो भाई जैसा आप लोगों को पता, तमाम मजदूर डे की तैयारियां हो रही हैं। बहुत अच्छी सारी तैयारियां हो रही हैं। हाँ जी, एक मिनट कर दो, इकट्ठे हो जाते सारे। कितों निकलनी है रैली? कितों? तो हाँ जी, सरकार है छुट्टी है, तुम कितने जा रहे हैं जी? अच्छा जी, जैसा कि आप लोग बता, रैली की बिल्कुल तैयारी हो चुकी है, लैंड क्लोजर वगैरह भी पहुंच चुकी हैं। तो अभी हम यहाँ से रवाना होंगे लाहौर की तरफ। तो लाहौर की तरफ तो रवाना होंगे। ये देखिए, हमने सब लोगों ने स्टिकर भी लगा लिए हैं मजदूर डे के, और लैंड क्लोजर भी लग चुका है। और अभी यहाँ से रैली निकलेगी और रस्ते का तमाम भी लोग आपको दिखाएंगे। तो गाइस ये थी फ्लैक्से, इन फ्लैक्सों के तमाम मजदूर डे की मतलब लिखा गया है। इनके जितने भी खुशी मेहमान हैं ये आप सब देख सकते हैं। तो गाइस जैसा इनका मकसद है ये जुलूस निकालने का, ये हुकूमत की जानब कह रहे हैं कि महंगाई मार गई, महंगाई मार गई। यानी कि जैसे आटा महंगा, चीनी महंगी, घी महंगा, हुकूमत कोई यानी कि मज़दूर का ख्याल नहीं कर रही। अमीर अमीर होता जा रहा, गरीब गरीब होता जा रहा। इनका यही मकसद है सिर्फ एक रैली निकालने का। और जैसा कि इनका सब लोग का यही मुतालबा है कि महंगाई को नीचे लाया जाए। रक्षा यूनियन बहुत परेशान है महंगाई की वजह से, इसलिए इन्होंने आज सारे साथी हैं। राजो प्लीज, अभी जान तो पहले थोड़ी थोड़ी गलबात कर लीजिए, आराम ना लीजिए। ओके, आराम ना लाजो, ऐसे ही ऐसे बैठ बैठ खलो जाओ जरा रोड में छड़ के। अच्छा दोस्तों, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦੇ ਤਹਿਫਜ਼ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ, ਆਪਣਾ ਪੈਟਰੋਲ ਸਾੜਿਆ ਇੱਕ ਇਜਤਮਾਈ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਸਲਾਮ ਦੇ ਕਲਾਮੇ ਪਾਕ ਲਈ ਮੈਂ ਦਾਵਤ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਮਲੰਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ। मेरे दोस्तों, पंजाब रिक्शा यूनियन राइयां दे सदर जनाब अब्दुल खालिक साहब, इफ्तिखार खोखर साहब, बाबा ता मुहम्मद समेत सारे दोस्तों, सानू सारिआं नूं सलाम। थोड़ी जी गल तुहाडे नाल हाजी अब्दुल खालिक करदे ने, फिर असी बाकी दी गलबात जिहड़ी आ सुणा रहे हां। अस्सलाम वालेकुम सारिआं नूं। भाई जान रोड नूं थोड़ा जिहा नाल हो जाओ, कोई मसला मसायल ना हो जाए यार। सारे लिहाजा माशाल्लाह सारे जने भरपूर आ गए आ, लिहाजा रोड और ट्रैफिक लाइन दे विच क्लियर रखना है। रिक्शे सारे एक लाइन जाने है, कोई बंदा रिक्शा अगे कट कुट करा के अगे ना कटे, स्लो स्पीड जे एक नाल नाल जाना है जी।
कोई बंदा किसी किस्म की शरारत ना करे, ना किसी रक्षा भजाउन की करे, ना उन्हां दा शुक्रिया अदा कर रहे हैं। दोस्तों मैं तुम दसा साडे विच मौजूद ने शकीर हुसैन एडवोकेट, जिहड़े सुबह 7 बजे तो 5 मिनट पहले इत्थे पहुँच गए थे। अभी उन्होंने भी वेलकम करते हैं जी, आया आखते हैं। और शबीर साहब थोड़े अगर अपील है कि जरा तुम भी थोड़ी देर लिए ट्रक से आओ। भामराज साढ़े को मौजूद ने, इतों के अराइया तो ही ने। भामराज हाईटैक फीड लेबर यूनियन की जबरदस्त जदोजहद उन्होंने की, वो भी अच्छ साढ़े नाल मौजूद ने। अभी उन्होंने वेलकम करते हैं जी, आया कहते हैं जिथे साडे नाल जेडे भी दोस्त मेहनत कशां दा साथ देंदे ने, ओह अजीम लोग ने। असि भी उन्होंने कदर करते हैं कि जो मेहनत कशा दे दो बंदे निकल के बाद ट्रैफिक के लिए ड्राई जाओ यार, ट्रैफिक का मसला ना बने। पर पूरी ट्रैफिक होनी चाहिए पट्टी साहब वास्ते। असगर पट्टी साहब चेयरमैन इस एरिया के साथ मौजूद ने, साढ़े नाल ने। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। शबीर हुसैन एडवोकेट मौजूद ने, अभी उन्होंने भी जी आया आ बाबा जवान फ्लैक्स लाओ यार, मगर जाकर रक्षा आएगा। हाजी अब्दुल खालिक करते हैं, तो फिर असं बाकी की गलबात जी सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सारिआं नूं, भाई जान होर नूं थोड़ा जिहा नाल हो जाओ, कोई मसला मसाल ना हो जाए यार। सारे लिहाजा मैं चला, सारे जने पर फिर आ गए आ, लिहाजा रोड और ट्रैफिक लाइन के क्लीयर रखना है। रक्षे सारे एक लाइन जाने है, कोई बंदा रक्षा अगे कट कुट करा के अगे ना कटे, स्लो स्पीड एक नाल नाल जाना है जी। कोई बंदा किसी किस्म की शरारत ना करे, ना किसी रक्षा भजाउन की करे, ना उन्होंने शुक्रिया अदा कर रहे हैं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। दोस्तों मैं तुम दसा साढ़े मौजूद ने शबीर हुसैन एडवोकेट, जो सुबह 7 बजे तो 5 मिनट पहले इतने पहुँच गए थे। अभी उन्होंने भी वेलकम करते हैं जी, आया आखते हैं। और शबीर साहब थोड़े अगर अपील है कि जरा तुम भी थोड़ी देर लिए ट्रक से आओ। भामराज साढ़े को मौजूद ने, इतों के अराइया तो ही ने। भामराज हाईटैक फीड लेबर यूनियन की जबरदस्त जदोजहद उन्होंने की, वो भी अच्छ साडे नाल मौजूद ने। अभी उन्होंने वेलकम करते हैं जी, आया कहते हैं जिसे ने आ जी। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਜ਼ੀਮ ਲੋਕ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਿਲੇ ਡਰਾਈ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਬਣੇ। ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ। ਅਸਲੇ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਫਲੈਕਸ ਲਾਓ ਯਾਰ, ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। Thank you.
ਕਰੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ ਅਕਬਰ ਅਲੀ ਪੱਟੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਅਕਬਰ ਅਲੀ ਪੱਟੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਗਜ਼ਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਉਹ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਮੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ मेरा बेटा बिल्कुल कैसे करबल की कहानी लिखूं कैसे करबल की कहानी लिखूं और आग जलते हैं जो पानी लिखूं होंपले काट कर पेड़ों की हवा होंपले काट कर पेड़ों की हवा कहते हैं रुत भी सुहानी लिखूं फिर गंदम के दाने की बात करूं फिर गंदम के दाने की बात या नस्ले आदम की अरजानी लिखूं या नस्ले आदम की अरजानी लिखूं इत्तकाए फितरत का कायल हूं इत्तकाए फितरत का कायल हूं मैं इरफान को कैसे फानी लिखूं मैं इरफान को कैसे फानी लिखूं कैसे करबल की कहानी लिखूं और आज चलते हैं जो पानी शुक्रिया मेरे बेटे मैं बाप भर के तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग तरतीब के साथ लाइन में रहेंगे कोई लाइन नहीं तोड़ेगा जैसा कि आप लोग को पता है हम लोग गए थे रैली पे मजदूर डे की रैली पे थी तो उससे हम लोग अभी वापस आ चुके हैं तो वहाँ से अभी वापस बारिश की वजह से जल्दी रैली ख़त्म हो गई है तो वहाँ से वापस आ चुके हैं तो अभी जैसा कि हम व्लॉग का करते हैं एंड तो व्लॉग को भी अपलोड भी करना है तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ओके अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद।